हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉट गार्डनिंग में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसे प्लांट के बारे में जिसे घर में लगाना शुभ माना जाता है। वास्तु और फेंगशुई के मुताबिक लकी बैम्बू प्लांट को भाग्यशाली और गुड लक लाने वाला माना गया है। मान्यता है कि बैम्बू का पौधा घर या दफ्तर में लगाने से भाग्य और वैभव आता है। लकी बैम्बू प्लांट शुभ होने के साथ साथ पर्यावरण को साफ रखने में भी मददगार है। लकी बैम्बू प्लांट हो या बैम्बू पाम, ये घर के अंदर लगाने पर टॉक्सिक गैसों को रिमूव करते हैं। लकी बैम्बू प्लांट एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर है। दोस्तों, आपको लकी बैम्बू प्लांट के बारे में आगे बताऊं इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाइएगा जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। अपना फीडबैक भी दीजिएगा, बताइएगा आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं और आप किन किन प्लांट्स के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो आपको लकी बैम्बू प्लांट अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। लकी बैम्बू प्लांट घर में रहने वालों के लिए सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा देता है। फेंगशुई के मुताबिक लकी बैम्बू प्लांट घर में शांतिपूर्ण ऊर्जा लाते हैं। ये लचीलेपन और आज़ादी का प्रतीक हैं। दोस्तों, लकी बैम्बू प्लांट धरती के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इस ब्रह्मांड का आधार भी हैं। इसके लिए आपको लकी बैम्बू प्लांट के पॉट में कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी। इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, लकी बैम्बू प्लांट लगाना बहुत आसान है। आप थोड़ी सी देखभाल करके घर पर इसे अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं। लकी बैम्बू प्लांट आमतौर से पानी में लगाया जाता है, लेकिन इसे आप मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर सही से देखभाल की जाए तो ये 2 से 3 फुट तक बड़े हो जाते हैं। चलिए पहले बात करते हैं लकी बैम्बू प्लांट को पानी में कैसे लगाया जाए, क्या क्या सावधानी बरती जाए, कैसे केयर की जाए, इन सब बातों की। आप लकी बैम्बू प्लांट को नर्सरी से लेकर घर आ गए हैं तो इसे रखना कहाँ है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, लकी बैम्बू प्लांट को लेकर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखें। ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ धूप छन छन कर आती हो। वास्तु के हिसाब से लकी बैम्बू प्लांट को घर के पूर्वी कोने में रखना चाहिए, यानी ईस्ट वाले पार्ट में। अगर आप पैसा और सौभाग्य चाहते हैं तो इसे अपने घर के साउथ ईस्ट जोन में भी रख सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जिसका खास ख्याल रखना है वो है पानी। लकी बैम्बू प्लांट के लिए टंकी वाले पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। पौधे को स्वस्थ रखने के लिए बर्तन के पानी को हर 7 से 10 दिन में बदल दें। अगर पानी ज़्यादा दिन तक रुका रहा तो प्लांट को नुकसान पहुँच सकता है, उसकी रूट सड़ सकती हैं। इन बातों के अलावा लकी बैम्बू प्लांट को अच्छी तरह ग्रो करने के लिए कुछ और बातों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए मैं बताता हूँ आपको कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें अपना कर आप अपने लकी बैम्बू प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं। आप अपने लकी बैम्बू प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी ना रखें। अगर पानी हार्ड है तो टंकी के पानी का इस्तेमाल ना करें, आप इसके लिए फिल्टर पानी का इस्तेमाल करें। लकी बैम्बू को बिल्कुल भी सूखने ना दें, हमेशा जड़ों को पानी में भीगे रहने दें। बर्तन में पानी बहुत ज़्यादा ना भरें, कोशिश करें कि सिर्फ जड़ों तक ही पानी भरा हो। बहुत गर्म या बहुत ठंडी चीज़ों को लकी बैम्बू प्लांट से दूर रखें। डायरेक्ट ठंडी हवा से भी लकी बैम्बू प्लांट को दूर रखना चाहिए।
दोस्तों, लकी बैम्बू प्लांट की पत्तियों पर धूल न जमने दें, क्योंकि ये पौधा पत्तियों से ही सांस लेता है, इसलिए समय समय पर स्प्रे वाटर से साफ करते रहें। जिस बर्तन में आपने बैम्बू प्लांट लगा रखा है, अगर पौधा उससे बड़ा हो जाए तो आप पौधे को दूसरे बर्तन में रख दें जिसमें वह आसानी से बढ़ सके। दोस्तों, पानी में लकी बैम्बू प्लांट कैसे लगाएं, कैसे केयर करें, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं मिट्टी में यानी सॉइल में आप लकी बैम्बू प्लांट को कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, लकी बैम्बू प्लांट को सॉइल में लगाना आसान तो है, लेकिन इसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। हमें दो तीन बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले, लकी बैम्बू प्लांट के लिए सॉइल परफेक्ट होनी चाहिए। दूसरा, वाटरिंग में ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। लकी बैम्बू प्लांट के लिए ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी रुके नहीं, यानी वेल ड्रेनेज सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। आप लकी बैम्बू प्लांट को ऐसी मिट्टी में लगा सकते हैं जो सकलेंट प्लांट के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप सोच रहे होंगे कि लकी बैम्बू प्लांट के लिए सॉइल का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, तो चलिए मैं जल्दी से इसके बारे में आपको बता देता हूँ। लकी बैम्बू प्लांट के लिए हमें चाहिए एक पार्ट गार्डन सॉइल, नॉर्मल गार्डन सॉइल। एक पार्ट चाहिए हमें कंपोस्ट, गाय के गोबर की खाद। अगर ये नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पार्ट हमें चाहिए बालू यानी सैंड, रेत। इससे वाटर ड्रेनेज अच्छा हो जाएगा, पानी रुकेगा नहीं मिट्टी में। और चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें चाहिए परलाइट। परलाइट सकलेंट प्लांट जो होते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मॉइस्चर तो बरकरार रखता है लेकिन पानी रुकता नहीं। तो ये चार चीज़ें हमें चाहिए। अब इन चारों चीज़ों को मिला लीजिएगा अच्छे से, अच्छी तरह मिलाकर ये देखिए हमारी सॉइल जो है बनकर तैयार हो चुकी है। तो हमें इसी तरह की मिट्टी में लकी बैम्बू प्लांट लगाना है। इस तरह की मिट्टी की खूबी ये रहती है कि इसमें पानी रुकता नहीं है, मिट्टी सौगी नहीं होती यानी गीली नहीं रहती, लेकिन मॉइस्चर उसमें बरकरार रहता है। दोस्तों, लकी बैम्बू प्लांट के लिए पॉट का सिलेक्शन भी ध्यान से करें। पॉट इस तरह का होना चाहिए जिसमें अच्छे ड्रेनेज होल्स हों, जिससे एक्सेस वाटर आसानी से बाहर निकल जाए। आप चाहें तो पॉट के सबसे निचले हिस्से में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े डाल सकते हैं, जिससे वाटर ड्रेनेज में आसानी हो जाती है। अगर आप लकी बैम्बू प्लांट को मिट्टी में लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी बैलेंस रहे। दरअसल लकी बैम्बू प्लांट को मॉइस्ट सॉइल पसंद है, लेकिन सॉइल सौगी नहीं होनी चाहिए यानी मिट्टी गीली ना हो। गमले में पानी तभी डालें जब मिट्टी का जो ऊपरी हिस्सा है वो सूख जाए। अगर आपके इलाके में हार्ड वाटर आता है और पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, तो आप कोशिश करें कि फिल्टर्ड वाटर का इस्तेमाल करें। इसकी वजह है लकी बैम्बू प्लांट हार्ड वाटर या फिर फ्लोराइड वाले वाटर में ख़राब हो जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लकी बैम्बू प्लांट को सॉइल में लगा रहे हैं तो इसे भी आप डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। आप इन्हें किसी बड़े प्लांट के नीचे यानी उसकी छाया में रख सकते हैं, या फिर आप इसे इंडोर ऐसी जगह पर रखें जहां डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट सनलाइट में बैम्बू प्लांट जो है ख़राब हो जाते हैं। आखिर में आपको वो बात भी बता देता हूँ जिसके बारे में मैंने शुरू में जिक्र किया था। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि लकी बैम्बू प्लांट धरती के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लकी बैम्बू प्लांट के पॉट में कुछ अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। लकी बैम्बू प्लांट में इन तत्वों को शामिल करने का तरीका बहुत ही आसान है। धरती तत्व के लिए बर्तन में कुछ पेबल्स डाल सकते हैं यानी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े पॉट में डाले जा सकते हैं। धातु तत्व के लिए बर्तन में कुछ सिक्के डाल दें। लकड़ी तत्व का प्रतिनिधित्व पत्तियां करती हैं, जो कि ऑलरेडी बैम्बू
प्लांट में होती हैं। पानी तत्व के लिए बर्तन में पानी रहता ही है। आग तत्व के लिए पौधे को लाल रंग के रिबन या बैंड से बांध सकते हैं। आमतौर से जब भी आप नर्सरी से या मार्केट से लकी बैम्बू प्लांट लाते हैं तो वो लाल रंग के रिबन में बंधा होता है। तो दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको बताया लकी बैम्बू प्लांट लगाने के बारे में, आप उसी तरह से लकी बैम्बू प्लांट को लगाइए और ढेर सारा गुड लक और पॉजिटिव एनर्जी अपने घर में लेकर आइए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दें, अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट लिखिएगा, और किन प्लांट्स के बारे में जानना चाहते हैं इसके बारे में भी बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन दबाइएगा जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्द ही मुलाकात होगी एक और नई वीडियो और ढेर सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।